राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल कैश लाइव विद जी में। और यहाँ चल रही है नाश्ते की तैयारी। तैयारी क्या, नाश्ता ही बन रहा है। आज मैंने नाश्ते में आपे बनाए थे, काफ़ी अच्छे लगते हैं सुबह सुबह और जल्दी भी बन जाते हैं। और इनकी चल रही है पूजा, ये पूजा करके ही सीधे नाश्ता ही करेंगे। आज जल्दी जाएंगे थोड़ा सा ड्यूटी पर और ये बन गए हैं। आप लोग भी आ जाइए। नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर हम आ गए थे आज ये वाला काम करने के लिए। जो लोग मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं वो जानते ही हैं कि मुझे चेंजेस कितने पसंद हैं। मैं कमरे में चेंजेस थोड़े दिनों बाद करती रहती हूँ, एक जैसा मुझे पसंद नहीं आता है, तो वही सब करने में यहाँ पर आ गई थी। यहाँ पर ना ये जो सोफ़ा है ना, एक सोफ़ा मेरा यहाँ रखा रहता है, बाकी बाहर तीन उसके पड़े रहते हैं, तीन वाला और एक वाला। ये एक मैंने यहाँ रख दिया, वो बाहर वाले कमरे में इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि ये आ जाए, तो ये इस वाले रूम में पड़ा रहता है। तो मैं ये सोच रही थी कि यार थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये वॉलपेपर जहाँ पे लगा है, इस पे वॉल के पास ना आज बेड को रख देते हैं, सोफ़ा कम बेड है जो मेरा, और इधर साइड में सोफ़े को रख देते हैं। यही सुबह सुबह मैंने आज चालू कर दिया था। और मैं ये सब चीज़ें इतनी भारी है ना, सोफ़ा वगैरह, सोफ़ा कम बेड है ना, काफ़ी हैवी है वो, तो मैं इससे रखवा रही थी। मैं अगर ज़्यादा ऐसे भारी भारी चीज़ उठाती तो मेरी तो कमर दर्द करने लगती है, तो मैं इसी से काम करवा रही थी पूरा। और बस यही सब चल रहा है, साफ़ सफ़ाई। अब वैसे भी गर्मियों का थोड़ा सा टाइम आ गया है, अब इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं रही है। सुबह शाम तो ठंड रहती है लेकिन बीच में काफ़ी गर्मी रहती है। और इन लोगों से मैंने सब काम सेट करवा दिया था, तो देखिए इधर भी वैसे ही अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप बताइएगा कि ये इधर वॉलपेपर की साइड बेड कैसा लग रहा है? थोड़ा सा चेंज कर दिया है, देखने में ठीक लग रहा था, मुझे तो अच्छा लगता है। मैं चेंजेस पसंद करती हूँ तो करती रहती हूँ ऐसे काम में। और यहाँ पर फिर शाम का टाइम हो गया है, और हमारे यहाँ पर ये मंदिर है मैया का, और ये रोड है ना, ये तिराहा टाइप का है, तो यहीं से सारी बारातें हैं ना, गांव की सभी बारातें यहीं से तैयार होकर अंदर जाती हैं गांव के। तो बस ये एक बारात आई थी तो वही हम देख रहे थे, सज रही थी। और आज हमें भी शादी में जाना था तो हम भी निकल पड़े थे शादी के लिए। और ये नाइट में चश्मा लगाया हुआ है, मैं यही दिखा रही हूँ आप लोगों को, पर ये मानता नहीं है। गाड़ी में बैठता है तो चश्मा ज़रूर लगाता है, इसको कहता है मुझे अच्छी फीलिंग आती है, चाहे रात हो चाहे दिन, चश्मा ज़रूर लगाना है। और हम पहुंच गए हैं शादी में, और यहाँ पर देखिए ये कमल का फूल है कि गुलाब का फूल है, ये इधर बना हुआ है जिसका भी फूल है। और स्टेज कितनी प्यारी सजी हुई है। आजकल तो शादी का सीज़न चल रहा है, सभी लोगों के पास काफ़ी शादियाँ आ रही हैं, तो शादी के मज़े लिए जा रहे हैं। जिनकी हो रही है वो भी ले रहे हैं, और जिनकी नहीं है तो वो भी खाने पीने के मज़े, घूमने फिरने के मज़े तो ले ही रहे हैं। और यहाँ पर मिल गई हैं बुआ जी, और ये दीदी मिल गई है। और ये मुझसे मतलब ये है ना, शादी में ना ये बहुत फ़ायदा होता है कि बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, तो चलो मिलना हो जाता है, वैसे नहीं मिल पाते हैं इतना, सभी लोग काम में बिजी रहते हैं। बुआ जी भी बिज़ी रहती हैं, टीचर हैं। और दीदी ये कह रही थी मैं आपके वीडियो भाभी रोज़ देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो बस यही सब बातें चल रही थी शादी में। और यहाँ पर ये बच्ची को देखिए आप, कितनी प्यारी है ये, इसको कैप्चर किए बिना मैं नहीं रह पाई। ये देखिए आजकल बच्चों को कितना मोबाइल क्रेज़ है, ये देखिए कितनी स्टाइल में फ़ोटो खिंचवा रही है, अलग अलग स्टाइल में बैठ के इस लड़की ने फ़ोटो खिंचवाया, मेरे को बहुत अच्छी लगी है। और बस यहीं पर शादी के कार्यक्रम चालू हो गए हैं, चल रहे हैं। और यहाँ पर ना ये शादी चल रही है, देखिए शादी में कितनी रौनक होती है। लेकिन एक लड़की की शादी में, लड़के की शादी में तो ना दुल्हन जाती है तो बाद में रौनक हो जाती है, पर लड़की की शादी में इस टाइम तो रौनक रहती है, पर सुबह सब खाली खाली हो जाता है। और लड़कियां जब चली जाती हैं ना घर से तो बहुत बुरा लगता है, मतलब इतने दिनों तक उनको पालो, एक फिर उसके बाद लड़की देना बहुत बड़ी बात है, अपनी एक दिन में ही लड़की पराई हो जाती है। पर ये रीति रिवाज है जो सबको निभाने ही पड़ते हैं। और यहाँ पर दूल्हे राजा आ चुके हैं और बस ये कार्यक्रम चल रहा है। Thank you.
यहाँ पर ना हम लोग वापस आ गए हैं। वैसे मैंने जयमाला का सोचा था कि जयमाला वगैरह भी आप लोगों के संग शेयर करूँगी, पर मैं नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो रहे थे, काफ़ी देर हो चुकी थी, तो इसलिए फिर हम लोग चले आए थे। और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे।